जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी ने मंगलवार को बैंकिंग सेक्टर को लेकर चिंता जताई है और उसमें सुधार के लिए सरकार को सलाह भी दी है। उनका कहना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 50% से नीचे लाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बैंक को संकट से उबारने के लिए महत्वपूर्ण और आक्रामक बदलाव लाने की भी जरूरत है। इसका फायदा ये होगा कि बैंक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के दायरे से बाहर हो जाएंगे। CVC के डर से बैंकिंग सेक्टर में फैसले लेने की प्रक्रिया खराब हो जाती है। आपको बता दें कि लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में अर्थशास्त्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र का मौजूदा संकट डरावना है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा बार बार हो रहा है। इसे लेकर हमें जागरूक होना चाहिए। हमें बड़े और साहसिक बदलाव करने की जरूरत है। हमें सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि CVC इन बैंकों को नियमन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जरिए डिफॉल्ट मामलों में जांच के डर ने बैंकिंग प्रणाली को विकलांग बना दिया है और बैंकर उधार नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में सरकारी इक्विटी को 51% से कम करने पर वे CVC के दायरे से बाहर हो जाएंगे। अभिजीत बैनर्जी का कहना है कि क्योंकि सरकारी बैंकों में सरकार की बहुमत हिस्सेदारी होती है, इसलिए उन बैंकों के फैसले की CVC जांच कर सकता है। इस जांच के डर से उन बैंकों में फैसला लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस डर की वजह से डिफॉल्ट्स के मामले छुपाए जाते हैं, इससे बाकी समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी हिस्सेदारी कम रखे। अर्थव्यवस्था या विवादास्पद मुद्दों पर कई सवालों से इनकार करते हुए अभिजीत बैनर्जी ने कहा कि सुबह प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात में उन्होंने मजाक किया कि मीडिया उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है और उनसे मोदी विरोधी टिप्पणी लेने का प्रयास कर रहा है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद अपनी पहली प्रक्रिया में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। उन्होंने कहा कि अभी उपलब्ध आंकड़े ये भरोसा नहीं जगाते कि देश की अर्थव्यवस्था जल्द सुधरने वाली है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कह चुके हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छे हालात में नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था के हालात ठीक करने के लिए और क्या कदम उठाती है।